डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी निकली है तो आप लोग उसमें अलग अलग कैटेगरीज में आवेदन करने वाले होंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो दिल्ली के लोग हैं वो तो दिल्ली के आधार पर जनरल हैं तो जनरल में ओबीसी में आते तो ओ बी सी में एस सी एस टी में आते तो एस सी एस टी में आवेदन करेंगे ही लेकिन जो ईडब्ल्यू एस वाले अदर स्टेट वाले जो लोग हैं वो तो सारे जनरल में ही फॉर्म भरेंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास ई सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है उन्होंने और वो ई सर्टिफिकेट बनता है आपके अपने स्टेट के आधार पर तो उनको सेंटर का सर्टिफिकेट तो उनके पास नहीं है

तो क्या करना है उनको देखो मैं एक बात आप लोगों को बताऊं इसके लिए आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है जो ईडब्ल्यू आप लोगों ने बनवाया हुआ है उसी ईडब्ल्यू एस उसी ईडब्ल्यू को जो है आप लोग अपना यहां पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्य है आपको गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी की जरूरत नहीं है या अलग से सेंटर का कोई सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का लिए कि भाई एक लाख अस्सी हजार संभवतः है उससे कम आय होनी चाहिए आप लोगों की तो वो तो किसी भी राज्य का होगा सेंटर का भी वही रूल है वही स्टेट का रूल है सेम रूल है तो इसलिए आप लोगों को इसके लिए अलग से किसी एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है जो सर्टिफिकेट आपका एक और एस का बना हुआ है वो आपके घर पटवारी ने जाकर के वेरीफाई किया है कि इस व्यक्ति की और पूरे परिवार की आय मिला करके इतनी है इससे कम है जो उसका क्राइटेरिया है उसको ये पूरा करता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही रूल है उसके लिए अलग अलग रूल नहीं है वो पूरे भारत का एक ही रूल है तो इसलिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास जिस भी स्टेट का हो वो उसी स्टेट का ईडब्ल्यूएस मान्य होगा और आप लोग ईडब्ल्यूएस में आवेदन कर पाएंगे ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी और एक चीज और भी देखो अगर आप लोग इस वैकेंसी के लास्ट में चलोगे ना आप लोगों को कुछ सर्टिफिकेट दिए हुए हैं है, है ना ये सर्टिफिकेट दिए हुए हैं सारे सर्टिफिकेट आप लोगों को ओबीसी के लिए मिलेंगे क्योंकि क्या है ना ओबीसी को लेकर के बहुत बवाल है बहुत सारे स्टेट अलग अलग अपने यहाँ के अलग अलग ओबीसी को देते हैं है ना ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल वाला हो गया है हर स्टेट अलग अलग ओबीसी को लेकर के एक्स सर्विस मैन के लिए नीचे सब दिया हुआ है कि, कि किसके आधार पर माना जाएगा ये फिर ओबीसी के लिए है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओबीसी का जो रूल है वो क्या कहता है और लेकिन ओबीसी जैसे क्या है कि हर स्टेट अलग अलग ओबीसी को मानता है तो इस कारण से सेंटर के ओबीसी जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं राजस्थान के ओबीसी उनमें कुछ और ज़्यादा लोग हैं यूपी के ओबीसी उनमें कुछ अलग जनजातियों को रख दिया जाता है वो उनकी पॉलिटिक्स के आधार पर रखा जाता है नियमों को अपने आधार पर वो लोग बदलते हैं लेकिन ईडब्ल्यू के लिए जो है वो भारत सरकार का ही नियम है और यहाँ ऐसा कोई अलग से आप लोगों को एनेक्सीजर लगा के नहीं बताया गया है कि इस एने की आपको आप शर्तें पूरी करनी है ठीक है तो इसलिए आप लोगों को इसमें निश्चिंत रहने की आवश्यकता है बस आप लोगों को ये करना है कि आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपना छह महीने पहले का होना चाहिए बस ये ध्यान रखना है जब आप लोगों को अब अभी वैकेंसी निकलने वाली है तो वैकेंसी निकलने की डेट से जो है छह महीने पहले पहले आप लोगों के पास वो सर्टिफिकेट हो तो आप लोग आवेदन कर पाओगे ये महत्वपूर्ण जानकारी थी क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के ऐसे को ऐसे प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये वीडियो बनानी थी मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने रखी कोई प्रश्न तो रख दीजिए आप लोग जानते ही हो कि मैं आप लोगों के हर प्रश्न का आंसर करने के लिए वीडियोज बनाता हूँ आप लोगों तक सटीक जानपा जानकारी नियमानुसार पहुंचे इसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूंगा बस प्रश्न आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा जाकर के कैसी लगी वीडियो कैसा आप लोगों को ये जानकारी लगी बताइएगा मुझे नमस्ते टीजीटी पीजीटी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा